और एक स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सिंगल फेज एसी सर्किट का। एसी सर्किट के हवाले से टॉपिक हमारा है पावर फैक्टर और टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर है द पावर क्वालिटी मेजरमेंट पैरामीटर। ऐसा पैरामीटर है जो कि पावर की क्वालिटी के बारे में बताता है। पावर क्वालिटी का मेजर है, पावर क्वालिटी मीटर है। अगर आप पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब आपका अगर पावर फैक्टर हाई है दिस मीन पावर की क्वालिटी बेस्ट है। हाई थ्योरेटिकली हाई कितना होता है, प्रैक्टिकली कितना होता है आगे हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये बात जहन में रखें कि पावर फैक्टर मीन्स द पावर क्वालिटी पैरामीटर। इट रिप्रेजेंट द पावर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसको मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली तीन तरीक़ों से हम डिफाइन करते और कैलकुलेट करते हैं। तो आप थ्योरेटिकल डिफिनीशन इन मैथमेटिकल फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं। पावर फैक्टर को मैं पी डॉट एफ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द एम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इसी तरह ये आपके पास डिफिनीशन नंबर वन है। सेकेंड डिफिनीशन है पावर फैक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर दैट इज किलो वाट्स डिवाइड बाय अपेरेंट पावर दैट इज के वी ए। आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं पी डिवाइड बाय एस। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पी क्या होता है, एक्टिव पावर, इसका यूनिट किलो वाट, और एस क्या होता है, अपेरेंट पावर, इसका यूनिट क्या होता है, के वी ए। ये सेकेंड डिफिनीशन द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। थर्ड डिफिनीशन हमारे पास है कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एंगल क्या है वोल्टेज एंड करंट का, फाई। वोल्टेज और करंट के दरमियान जितना एंगल बनता है उसका कोसाइन, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट सिग्नल। तो ये तीन डिफिनीशन है हमारे पास पावर फैक्टर्स की। अब आते हैं, ये तो आप डिफिनीशन के हद तक जनरल डिफिनीशन पावर क्वालिटी मेजरमेंट पैरामीटर है और मैथमेटिकल डिफिनीशन ये तीन हमारे पास आते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर्स की तरफ, पावर नहीं पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर की तीन टाइप्स बेसिकली हैं। पहला टाइप हम यहाँ पे लिखते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा टाइप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लीडिंग पावर फैक्टर, और थर्ड वन यूनिटी पावर फैक्टर। लैगिंग और लीडिंग को अक्सर लोग लो पावर फैक्टर भी कह देते हैं और यूनिटी पावर फैक्टर को अक्सर हाई पावर फैक्टर भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी कुछ लोग करते हैं कि पावर फैक्टर लो होता है और हाई होता है, दो टाइप है। और लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम नीचे चले जाए कंसेप्चुअल फेजेस की तरफ, तो कंसेप्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर। इन दो को हम लो पावर फैक्टर कह सकते हैं। लेकिन अब इनको मैं इंडिविजुअली यहाँ पे देखता हूँ, यूनिटी वन होता है और लीडिंग और लैगिंग हमेशा वन से कम होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, लो पावर फैक्टर। सो दिस इज़ पावर फैक्टर। इफ़ पावर फैक्टर इज़ लेस देन वन देन इट इज़ कॉल्ड लो पावर फैक्टर, इफ़ इट इज़ इक्वल टू वन दिस इज़ यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये तो इनकी डिफिनीशन हो गई जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं। अब मैं इन तीन क्लासिफिकेशन को डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि इन तीन का मतलब क्या है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब वोल्टेज, व्हेन वोल्टेज या सॉरी व्हेन करंट, आई के हम करंट के लिए यहां पे मैं लिखता हूं कि इफ करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज देन द पावर फैक्टर इज लैगिंग पावर फैक्टर। पहले थ्योरेटिकल डिफिनीशन, उसके बाद मैथमेटिकल। लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, इफ करंट लीड्स
द वोल्टेज, मतलब अगर करंट का सिग्नल पहले आता है, वोल्टेज का बाद में आता है, तो पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर होगा। एंड यूनिटी व्हेन द करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, मतलब दोनों एक साथ अगर आ रहे हैं, दोनों के दरमियान अगर फेज एंगल का डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारे पास यूनिटी पावर फैक्टर है। अब कौन से सर्किट्स हैं जिनमें ये पावर फैक्टर लैगिंग होता है, लीडिंग होता है या यूनिटी होता है? तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा ये चीज़ें लिख रहा हूँ कि लैगिंग पावर फैक्टर किस केस में होगा। एग्जाम्पलरी सर्किट्स क्या है? लैगिंग पावर फैक्टर की एग्जाम्पल में हमारे पास आता है इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और एल सर्किट, और ऐसे आर एल सी सर्किट्स जिसमें एक्स एल बड़ा हो एक्स सी से। ये तीन एग्जांपल्स आपने लैगिंग पावर फैक्टर के साथ लिखनी है, प्योर इंडक्टिव सर्किट आर एल सर्किट और आर एल सी सर्किट, लेकिन ऐसे आर एल सी सर्किट जिसमें एक्स एल का फैक्टर एक्स सी से बड़ा हो। इन तीन तरह के सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? लैगिंग। लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर करंट लीड करता है वोल्टेज से, और लीडिंग करंट की जो बिहेवियर है ये कैपेसिटिव सर्किट में होता है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट आर द टिपिकल एग्जाम्पल। इसी तरह आर सी सर्किट, यहाँ पर आर एल थे तो यहाँ पर आर सी है, मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर के कम्बिनेशन का सर्किट। और थर्ड वन आर एल सी सर्किट भी हो सकता है इसकी एग्जाम्पल में, लेकिन एक कंडीशन उलट होनी चाहिए, यानी कि इफ एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल देन दिस आर एल सी सर्किट विल बी हैविंग लीडिंग पावर फैक्टर। एंड द थर्ड वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिटी पावर फैक्टर जो हम हासिल करना चाहते हैं ताकि पावर की क्वालिटी सबसे अच्छी हो, तो ऐसी केस में हमारे पास जो सर्किट होगा इसमें करंट और वोल्टेज का सिग्नल आपस में इन फेज होगा। ये कब होता है? जब रेजिस्टिव सर्किट हो। और दूसरा सर्किट आर एल सी सर्किट हो, लेकिन ऐसा आर एल सी सर्किट जिसमें एक्स एल की वैल्यू एक्स सी के बराबर हो। तो ये दो एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, इनको कहते हैं रेजोनेंस सर्किट्स, जिसमें एक्स एल एक्स सी के बराबर हो, तो इनको दूसरे अल्फाज में रेजोनेंस सर्किट्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ ये समरी थी पावर फैक्टर की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी इस टॉपिक की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि पावर फैक्टर क्या है और कितनी किस्म का है और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये लैगिंग है या लीडिंग है। लैगिंग लीडिंग के कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, आगे किसी वीडियो में दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे कि लैगिंग का मतलब क्या है। लेकिन यह है कि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है एजुकेशनल वीडियोस पाकिस्तान के चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लैगिंग का क्या मतलब है लीडिंग का। इसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्ले लिस्ट में। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी से तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको ऐसी मुफीद वीडियोस बार बार मिलती रहें और आप अपनी इलेक्ट्रिकल की बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।